इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 10वीं की छात्रा ने पिता के द्वारा मोबाइल छीनने की बात से नाराज होकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का ढीला रवैया एक बार फिर सामने आया है। जब परिजनों के द्वारा थाने पर सूचना देने के बाद भी पुलिस सुबह 11 बजे तक पोस्टमार्टम करवाने नहीं पहुंची। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई हाई प्रोफाइल मामले में तो पुलिस जल्द से जल्द कागजी कार्यवाही कर मामले में तीसरी कर देती है, लेकिन जब गरीब का मामला फंसता है तो पुलिस ढील पोल रवैया अपनाती है। और इसी तरह का मामला सामने आया है इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में। चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर में रहने वाली खुशी देर रात मोबाइल पर खेल रही थी, लेकिन तकरीबन 11 बजे पिता के द्वारा मोबाइल छीन लिया और उसे सोने को कह दिया, जिसके बाद खुशी कमरे में चली गई और माता पिता और अन्य परिजन क्षेत्र में हो रहे भंडारे में शामिल होने चले गए। इसी दौरान खुशी का भाई पिता से हैंड फ्री मांगने आया तो पिता ने कहा खुशी के पास होगी, तो भाई खुशी से हैंड फ्री लेने गया तो खुशी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। उसने यह बात पिता को बताई, पिता तुरंत घर आए और दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने के बाद पिता ने घर का दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाद जब कमरे में जाकर देखा तो खुशी फांसी के फंदे पर लटकी थी। क्या हुआ आपकी बच्ची ने क्या कर लिया? फांसी लगा ली। क्या नाम है मृतक का? खुशी राणा। अच्छा, कितने साल उम्र है इसकी? 15 साल। क्या मोबाइल छीनने की बात से नाराज? क्या कर लिया? मोबाइल छीन लिया था उसके हाथ में से और बोला सो जा। हाँ, बस वो अंदर कमरे में गई और दरवाजा लगाया, फांसी लगा ली। पुलिस को सूचना दी थी आपने? कब? यह अस्पताल लाया था ना? नहीं, हाँ यही लाया था, अस्पताल लेके आया था, फांसी से निकाला। फिर पुलिस को सूचना? यही से पुलिस को सूचना दी गई। तो आई पुलिस अभी तक? पोस्टमार्टम को आई थी। अभी आई? अभी नहीं आई। क्या कहना अभी? अब वो गए, बोले एमबी गए, वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा। परिजनों और पड़ोसियों की मदद के द्वारा खुशी को फांसी के फंदे से उतारकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों के द्वारा सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सुबह पोस्टमार्टम की बात कहकर रवाना हो गई। वहीं जब परिजन सुबह पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के पास पहुंचे, तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें टरका दिया और कहा अभी एक व्यक्ति एमवाई में पोस्टमार्टम करवाने गया है, जब वह वापस लौटेंगे तो तुम्हारा पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल परिजनों ने एसपी सीएसपी सहित थाना प्रभारी को भी शिकायत की है, लेकिन किसी ने भी उचित जवाब नहीं दिया। वहीं काफी संख्या में परिजन जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो आपने बोला नहीं कि वो कोई दूसरा अधिकारी या कोई और कर दे पोस्टमार्टम, इस तरह से बोला आपने? नहीं, ऐसा नहीं, वो बोले वही आएंगे। अच्छा, वही आएंगे, वही आएंगे जो कुछ नाम बताया, नाम भूल गया मैं, भदौरिया जी। अच्छा, वो आएंगे, उसके बाद में वही करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी थी आपने? हाँ, क्योंकि आप लोग यहाँ काफी परेशान हो रहे, सुबह 11 बज गई। थाना प्रभारी वो थे, उनसे बोला था। हाँ, सुबह 11 बजे तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ आपकी बच्ची का? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।